हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। सितंबर के अंत तक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आदेश होगा जारी। अगले महीने यानी अक्टूबर से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक अच्छी अपडेट आ रही है। कहा जा रहा है कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। सितंबर के अंत तक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आदेश जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अगले महीने यानी अक्टूबर से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं लिखा है कि सत्ता पास की पोस्टिंग और बीपीएससी का ट्रांसफर सब एक साथ होगा, शुरू होगा। आवेदन के लिए मिलेगा 15 दिनों का समय। तो आवेदन के लिए जो समय है वो भी कहा जा रहा है 15 दिनों का मिलेगा। मॉनिटरिंग कहा जा रहा है किया जाएगा। आदेश जारी होते ही शुरू होगा ट्रांसफर की प्रक्रिया, ये बात कही जा रही है। और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आदेश जारी होते ही शुरू हो जाएगा ट्रांसफर। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर अगले महीने लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। आवेदन के लिए किसी को नहीं होगी मनाही। पति पत्नी, दिव्यांग महिला, आप देख सकते हैं जो गंभीर रूप से किसी बीमारी के शिकार हैं को मिलेगा लाभ। ऐसी बात जो है वो कही जा रही है। बीपीएससी सशक्ता और बीपीएससी दोनों ही प्रक्रिया देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ पे कि भाई नवंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में एक अच्छी खबर जो है वो सामने उभर के आ रही है। दूसरी ओर देखिए खबर आ रही है इसमें 5 लाख और शिक्षकों की होगी नियुक्ति। और मंत्री जी का कहना है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार ने 1.5 लाख और शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। TRE 3 का रिजल्ट जल्दी जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से आग्रह किया है। तो देख सकते हैं कि TRE 3 के रिजल्ट को लेकर भी अच्छी बात आ रही है। शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं तैयार हैं। और शिक्षा मंत्री ने यह बातें SKM हॉल के बाहर संवाददाताओं से चर्चा के दौरान गुरुवार को कही। शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों के लिए भी अच्छी पॉलिसी लाने की बात की। राइट टू एजुकेशन के नियम को ध्यान में रखा जा रहा है। डोमिसाइल पॉलिसी पर भी उन्होंने वार्ता की है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं लिखा है कि अतिथि शिक्षकों के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कहा कि उन्हें परीक्षा देकर ही सेलेक्ट होना होगा। उन्हें अनुभव का वेटेज दिया जाता है। स्कूल की टाइमिंग के बारे में उन्होंने दो टूक कहा कि इसमें राइट टू एजुकेशन के नियम का ध्यान रखा जा रहा है। डोमिसाइल पॉलिसी के संदर्भ में कहा कि नियुक्त शिक्षकों में अधिकतर बिहार के हैं। उन्होंने संकेत दिए कि सरकार अभी अपनी पॉलिसी पर कायम है। विधान परिषद में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षदों के साथ हाल ही में हुई बैठक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वित्त रहित सही कई मुद्दों पर बातचीत की गई। उन्होंने अपनी कई समस्याओं को रखा है। तमाम बातें यहाँ पे की गई है। जैसे लिखा है यहाँ पे कि एक सवाल के जवाब में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की उपलब्धियाँ शानदार रही है। वर्ष 1 में राज्य की महिला साक्षरता 43% 34% थी, यह दर 75% हो गया। तो एक ही बड़ी और अच्छी खबर देख सकते हैं सामने उभर के आ रही है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और अच्छी और सुखद भी खबर है। दूसरी ओर लिखा है कि नई स्थानांतरण नीति में दिव्यांग व महिला शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान जो है वो रखा जाएगा। आज शिक्षक दिवस पर सम्मानित हुए राज्य के 42 शिक्षक। मंत्री बोले शिक्षकों के सामने समाज को शिक्षित करने की बड़ी होती है चुनौती। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट आ रही है। मुकेश सुनील कुमार शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के लिए जल्द नई स्थानांतरण नीति लागू की जाएगी। दिव्यांग बीमार और लिखा है यहाँ पे कि महिला शिक्षकों के लिए अलग से प्रावधान होगा। उन्होंने ये बातें शिक्षा विभाग द्वारा गुरुवार को शिक्षक दिवस के स्थानीय श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में कहा। इससे पहले उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले 42 शिक्षकों को सम्मानित भी किया है। तो बहुत अच्छी खबर है। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री की ये पहल जो है रंग लाएगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ अच्छा ही देखने को हमें मिलेगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और पल पल लेटेस्ट वीडियो चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।